नेटवर्क सिक्स के सुनने वालों को स्नेहा चौहान का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं म्यूजिक कंपोजर सलिल चौधरी जी की बेटी अंतरा चौधरी। आइए हम बात करते हैं उनसे, कुछ उनके बारे में, कुछ उनके पिताजी के बारे में और उनके कुछ ऐसी खास लम्हों के बारे में जो उन्हें आज भी याद है, जो उन्होंने अपने पिताजी के साथ बिताए और उनका आज उनके जीवन में किस तरीके से प्रभावित करते हैं। अंतरा जी, सबसे पहले तो आपका जबलपुर में स्वागत है। और थैंक यू। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले तो जैसे एक बेटी अपने पिताजी को याद करती है, तो उसको लेकर आपकी क्या यादगार है, मतलब यादें हैं पिताजी को लेकर, और उनका जो संगीत था और आज का जो संगीत है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे पिताजी मेरे लाइफ के गुरु हैं, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। डैडी को हमने पिताजी की जैसे ही देखा है, मोर देन अ कंपोजर एट होम, क्योंकि घर पे वो डैडी या बाबा, हम बंगाली में बोलते हैं बाबा, की जैसे ही थे। बहुत स्वीट, वेरी लविंग, एकदम डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। बट जब वो रिकॉर्डिंग में आते थे या कंपोज करने बैठते थे, पूरा उनका चेहरा अलग हो जाता था, वेरी सीरियस एंड टोटली इन्वॉल्व्ड। तो जब हम छोटे थे तब से अपने घर में म्यूजिक का माहौल था, तो डैडी एक कमरे में कंपोज कर रहे हैं, मम्मी, मेरी मम्मी सविता चौधरी वो सिंगर हैं, तो वो मम्मी एक कमरे में रियाज कर रही हैं, मेरे बड़े भाई वो ड्रमर है, वो ड्रम बजा रहे हैं। तो ये देख के मैं बड़ी हुई हूँ। सो म्यूजिक इज लाइक अ गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट टू मी। तो और डैडी के पास जो मैंने स्पेशली सीखा है कि अच्छे म्यूजिशियन या सिंगर होने के लिए पहले आपको होना चाहिए अच्छे इंसान, तो वो सबसे बड़ी जो लेसन है मैंने डैडी के पास सीखा है कि सबसे अच्छे व्यवहार करो तो तुम देखोगे, यू विल फील हैप्पी एंड योर म्यूजिक विल बी मच बेटर। तो ये एक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे अभी याद आ रही है। एक तो है, डैडी यूज़ टू टेल मी कि अपना गन पाउडर ऑलवेज ड्राई रखो। उसका मतलब है कि सब हर वक्त आपका जो रियाज है वो होना चाहिए, ताकि अगर आपको एक चांस मिल जाए तो तब आप एकदम रेडी हो। सो कीप योर गन पाउडर ड्राई। सो आई ट्राई टू डू दैट इन माय लाइफ। मैं हर दिन रियाज करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर, नॉट बिकॉज ऑफ अ शो और एनीथिंग। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने बाबा से सीखा है। प्लस हमारे घर पे महान सब आर्टिस्ट आते थे, जैसे मन्ना दे, किशोर कुमार जी, मन्ना दे जी, लता जी के स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग सुना है। इनफैक्ट लता दीदी का एक गाना बंगाली में गाना है, आज तब ए टुकु था, हिंदी में उसका था आज कोई नहीं है अपना। वो रिकॉर्डिंग में मैं गई थी, मैं स्कूल से तब गई थी। तो दीदी जब रिहर्स करती है ना, एकदम वॉइस एकदम सॉफ्ट सुनाई नहीं देता है, तो जब माइक के पास आती है एकदम वो पूरा स्टूडियो भर जाता है, और इट वॉज अ वन टेक ओके। तो ये सब यादें हैं। और फिर मेरी मम्मी सविता चौधरी भी बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो हम दोनों एक साथ हारमोनी करके गाते हैं। तो बहुत ही आई फील आई एम वेरी लकी ये परिवार में जन्म हुआ। आपका जो नाम अंतरा पड़ा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे भी एक बात होगी कहीं ना कहीं, कि वो क्योंकि अंतरा म्यूजिकली शब्द है, एक म्यूजिक से रिलेटेड शब्द है, इसके बारे में आप क्या क्या बताना चाहते हैं? जी, ये अंतरा नाम डैडी ने तब रखा जब मैं गाने शुरू कर दिया। जब मैं 7 साल की थी तब मीनू फिल्म में मैंने 2-3 गाने गाए थे, तो तब मैं एक्चुअली पहले मेरा नाम था सुजाता जब मैं छोटी थी। तो जब ये फिल्म हुई और डैडी ने देखा कि नहीं मैं गा सकती हूँ, तो डैडी ने नाम बदल दिया अंतरा। सो इट वॉज वो गाने का जो अंतर है ना, द हार्ट ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग, वो है अंतरा। तो एंड इनफैक्ट मेरी जो छोटी बहन है उसका नाम है, उसकी नाम है संचारी, जो अंतरे के बाद संचारी आती है ना। सो इट्स वी हैव अ वेरी म्यूजिकल नेम। और ये मीनू फिल्म में मेरा पहला गाना था जब मैं 7 साल की थी, वो था ओ काली रे तू तो काली काली है गोरा सा एक भैया, माँ अब लाने वाली है। तब मैं छोटी थी तो रिकॉर्डिंग में सब बोलते थे बेबी अंतरा आ गई। तो ये गाना मुझे याद है। और एक गाना मन्ना दी जी के साथ जो था वो था, तेरी गलियों में हम आए दिल अरमानों भर लाई, हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा, अपनी किस्मत भी सवर जाए जरा,
गलियों में हम आए। तो ये गाना मैंने तब गाया था। तो ये सब यादें बहुत बहुत ही, क्या बोलते हैं, इट्स वेरी स्वीट, हार्ट टचिंग एंड स्वीट। और एवरी रिकॉर्डिंग के बाद डैडी मुझे गोदी में लेते थे, तो दैट वाज अ गिफ्ट बिकॉज आई वाज स्मॉल देन। और फिर ये हिंदी गाने के बाद वी बलसरा, फेमस म्यूजिशियन कंपोजर इन कैलकटा, वो आए डैडी के पास कि आप उनसे थोड़ा अंतरा से थोड़ा बंगाली गाना गया गवाइए। तो वे दैट्स हाउ माई चिल्ड्रन सॉन्ग इन बंगाली स्टार्टेड। आई हैव लॉट ऑफ चिल्ड्रन सॉन्ग, नर्सरी सॉन्ग, बट दे वर नॉट लाइक जैक एंड जिल और ट्विंकल ट्विंकल, दे वर ओरिजिनल सॉन्ग्स कंपोज बाय माई फादर, उनका लिखा हुआ और ट्यून किया हुआ। तो वो गाने बहुत पॉपुलर हो गए, सो आई बिकेम लाइक अ चाइल्ड स्टार इन वेस्ट बंगाल। तो वो इमेज से भी मुझे निकलना थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि यहाँ एक जो इमेज हो जाती है ना, वो सेट हो जाती है। या सो बट देन लेटर ऑन आई सैंग अदर काइंड ऑफ सॉन्ग्स ऑल्सो। एक फिल्म आई थी खोया खोया चांद, उसमें मैंने सोनू जी के साथ एक डुएट गाया था, ये निगाहें, कंपोज बाय शांतनु मोहित्रा। दो लाइन गाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। ये निगाहें 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 झुकी झुकी, अपनी आहें लबों की हदों पर रुकी रुकी, महफिल महफिल क्यों दीवाना ये परवाना, घूमता है जल जाएगा जानता है तो क्यों शमा को चूमता है। ये गाना मैंने रिसेंटली गाया है। तो म्यूजिक इज माय लाइफ, ये इसमें ही मुझे आनंद मिलती है, इसमें ही आई फील आई एम क्लोज टू गॉड। मैं जब रियाज करती हूँ आई फील आई एम क्लोज टू द ऑलमाइटी। तो मेरे लिए ये एक साधना है। आजकल जो संगीतकार आ रहे हैं और जो नया जनरेशन आ रहा है, वो क्लासिकल म्यूजिक प्लस जो बेसिक है, मेरे ख्याल कभी कभी लगता है कि उनको बेसिक का या तो नॉलेज नहीं होता, वो डायरेक्ट एक अलग ही जगह पे मूव कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? और सलील दा का ये था कि उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक, क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक के साथ साथ फोक को भी काफी उन्होंने अपने सॉन्ग में लेके आए थे, तो इसके बारे में और आज के समय, और आप इसमें अपना क्या नया चेंज कर रही हैं? हाँ, डैडी के समय एक्चुअली मेरे डैडी बहुत बहुत वर्ल्ड म्यूजिक सुनते थे, हर तरह की म्यूजिक हमारे घर में बजते थे, लाइक वेस्टर्न क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, फोक म्यूजिक। जैसे आपका वो जो गाना है ना मधुमति का, दया रे दया रे चढ़ गई पापी पिछुआ जी, वो क्योंकि मेरे फादर असम में बड़े हुए, तो वहाँ का जो बिहू स्टाइल है ना, यहाँ से डैडी ने इंस्पिरेशन लेके ये गाना बनाया। फिर एक रशियन मार्च सॉन्ग था जो डैडी जब मॉस्को गए थे वहाँ उन्होंने सुना था, डैडी ने इसको चेंज कर दिया और करके दो बीघा जमीन फिल्म में मना दे जी, हाँ उनमें उन्होंने गाया, मौसम बीता जाए धरती कहे पुकार के बीच बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए। वो गंधर्व को कोमल कर दिया उन्होंने और वो भैरवी का जो अंग आ गया वहाँ, इंडियनाइज हो गया गाना। तो ये डैडी बहुत स्टडी करते थे। आजकल मुझे क्या लगता है, हम ज्यादा वेस्टर्न को खाली नकल करते हैं, हाँ टोटल कॉपी कर रहे हैं, बट जो इंस्पायर्ड होते थे ना वो लोग इंस्पायर्ड होकर अपना कुछ भी देते थे, खाली कॉपी नहीं होता था। आजकल मुझे लगता है म्यूजिक बहुत विजुअल हो गया है, खाली डांस आइटम नंबर या नहीं तो सूफियाना गाना, यू नो ये इसमें बन गए हैं। बट सेमी क्लासिकल गाने जैसे मदन मोहन जी के जो गाने थे या गजल स्टाइल के जो गाने आजकल नहीं मिलते हैं, बट मुझे लगता है कि ऑडियंस को लेकिन ये वो चाहते हैं, लेकिन शायद हम नहीं दे पा रहे हैं उनको। और सिंगर्स भी बहुत सारे, बहुत टैलेंट है अपने देश में, बट कंपोजर्स की मुझे लगता है कमी है, जो जिन्हें थरो नॉलेज है कि बोथ वेस्टर्न क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल, फोक, इनकी इसका नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो लिमिटेशन हो जाता है। क्योंकि आजकल के गाने ज़्यादा एक हफ्ते के बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि उसमें वो डेप्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है। लेकिन अगर अगेन पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ काम तो डेफिनेटली अच्छा हो रहा है। जैसे मुझे वो माँ वाला जो गाना था ना शंकर एहसान लॉय का, हाँ फॉर दैट फिल्म तारे जमीन पर, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे कुछ काम डेफिनेटली हो रहे हैं, और बट और चाहिए, हमें और चाहिए।
आपने 7 साल की उम्र से गाना शुरू किया और आज इस मुकाम पे आके आप जो गा रहे हो, आप बंगाली में भी गा रहे हो, हिंदी में भी गा रहे हो, आई थिंक आप मलयालम में भी गा रहे हैं, तो आगे अब आपका क्या प्रोजेक्ट है? और हिंदी जो सॉन्ग है या हिंदी फिल्म म्यूजिक है जो, इसमें आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं बंगाली हिंदी में तो गा रही हूँ। रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने मलयालम में भी एक एल्बम किया है, रजनीगंधी। मलयालम में मेरे डैडी बहुत काम किए हैं, लाइक ही इज अ किंग इन केरला। हाँ, तो वहाँ लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं डैडी को, तो मैंने वो मलयालम गाने गाए हैं। और अब मैं ज़्यादा बंगाली में कंसंट्रेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है डैडी के जो मेन काम है वो बंगाल में है। तो वहाँ हमने एक ट्रस्ट फॉर्म किया है, सलील चौधरी फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक। तो उसमें से हम पहला काम अपना अभी हो रहा है, एक बुक निकल रहा है, टोटल कलेक्शन ऑफ 500 सॉन्ग। तो ये पहले बंगाली में निकल रहा है, इसके बाद हम हिंदी जो गाने हैं डैडी के टोटल वो निकाल रहे हैं, उसका नोटेशन निकल रहा है। तो ये काम है, प्लस हिंदी में सिर्फ नहीं, मैं जिंगल्स भी गाती हूँ और बंगाली में मैंने रिसेंटली 2 फिल्में किए हैं। तो अभी मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड कैलकटा से हैं, तो मुझे मुझे ज़्यादातर कैलकटा रहना पड़ता है, तो नेचुरली बंगाली काम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हिंदी में एक प्रोजेक्ट है, डैडी के कुछ गाने और कुछ नए कॉम्पोजिशन लेके मैं नया एल्बम कर रही हूँ, सोच रही हूँ। तो लेट्स सी, लेट्स सी। म्यूजिक कंपोज, क्योंकि आपका बैकग्राउंड रहा है पापा के समय का, तो आने वाले समय में क्या हम ये उम्मीद करें कि अंतरा भी इस फील्ड में कुछ नया करने वाली है? हाँ, मैंने ऑलरेडी सोच रखा है कि नेक्स्ट ईयर से मैं कंपोज करना शुरू करूंगी, एंड आई वॉन्ट टू डू इट सीरियसली। मैं ऑलरेडी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कीबोर्डिस्ट, मैंने पियानो सीखा हुआ है 7th ग्रेड तक, तो मैं सीरियसली नेक्स्ट ईयर से शुरू करना चाहती हूँ। कि कंपोजिंग में एक अलग ही मज़ा है, मैंने किया भी है। बनेगी अपनी बात में कुछ सीरियल जो आता था ना, हाँ जी, उसमें मैंने कुछ एपिसोड में बैकग्राउंड स्कोर किए हैं, बंगाली में कुछ काम किए हैं एक दो गाने, लेकिन सीरियसली नहीं लिया है उतना। लेकिन मुझे अभी लगता है कि टाइम आ गया है कि मैं इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ एंड सिंगिंग। तो शायद नेक्स्ट ईयर से आप गिव मी योर बेस्ट विशेज सो दैट आई कैन स्टार्ट। अंतरा, एक चीज और जानना चाहूंगी कि अभी आप टीवी सीरियल्स में देख रहे हो कि म्यूजिक को लेके जितना क्षुर क्षेत्र चल रहा है, और दो तीन और काफी ऐसे सीरियल्स हैं जो कि रियलिटी शोज चल रहे हैं, कुछ बच्चों के शोज चल रहे हैं, कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एक प्रकार का पेरेंट्स का उनको एक कहीं, आपको नहीं लगता कि वो उनके बचपन से प्रेशर देना दे रहे हैं? या जैसे कुछ बच्चों को आपका ये कह सकते हैं कि आपका एक गॉड गिफ्टेड था प्लस आपका बैकग्राउंड वैसा था, बट यहाँ पे ये समझ में आता है कि बच्चों का बैकग्राउंड वैसा नहीं है बट प्रेशर है कहीं से कि तुमको कुछ करना है, तो ये कितना किस हद तक सही है ये आज की जनरेशन के लिए? मुझे लगता है बच्चों को इसमें नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स को ये बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर बहुत प्रेशर होता है। बच्चों को बच्चे जैसे रहने रहने दीजिए, उनको इतना, वो गाते हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो गा रहे हैं एकदम अडल्ट के सॉन्ग, और गा रहे हैं वो सिडक्शन जैसे, वो सब एक्सप्रेशन देके अच्छा नहीं लगता है। हाँ, और मुझे लगता है ये सब दिखा के, बच्चों का जो डांस भी है आजकल हम टीवी पे देख रहे हैं, इतना वल्गर लग रहा है, और मुझे लगता है ये स्पेशली हम विमेन के लिए ये अच्छा नहीं है, इसलिए क्राइम और भी बढ़ रहा है, और हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। प्लस बच्चों का जो बचपन है उसको रहने दो, क्योंकि हम ऑल्दो आई वॉज फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड और मैंने छोटे से मैं गाना गा रही हूँ, लेकिन मुझे कभी मम्मी पापा ने प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें एकदम फर्स्ट आना है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे अगर फर्स्ट या सेकेंड नहीं आ पाए, मम्मी डैडी रोते हैं, तो इससे बच्चे पर बहुत असर होती है, यू नो दे फील वेरी हर्ट कि आई वॉज अ फेलियर। तो हम देख रहे हैं आजकल कितने बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है बंद होना चाहिए। इतने छोटे बच्चे ना, दे शुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग, एंड इवन फॉर अडल्ट जो शोज आजकल है, बहुत टैलेंट है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट उस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि आप क्या पहने हुए हो, आपका स्टाइल क्या है, एटीट्यूड क्या है। हम देखते थे छोटे थे, लता दी एकदम साड़ी पहन के, आज भी ना कितना गले से अब पूरा सब निकलता है ना, मैंने यू डोंट नीड टू मूव। आजकल क्या होता है, हम वेस्ट को कॉपी करते हैं, जैसे हमें सबको जो ऐसे पॉप स्टार होना है, तो वो नकल करते करते हम अपना कल्चर खो रहे हैं कहीं भी।
अपना जो एक म्यूजिक है, मेडिटेशन का म्यूजिक है ना, अपना क्लासिकल बेस, इट्स अ मेडिटेशन एंड साधना का है. वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन लुक्स, सो दैट इज बैड, बट एक बैलेंस होना चाहिए. हाँ, यू चेंज विद टाइम्स, बट एक बैलेंस आपको होना चाहिए. तो आई आई फील पेरेंट्स शुड बी केयरफुल. एंड जो अभी अडल्ट भी गा रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स गुम हो जाते हैं, किसी शो में बहुत अच्छा गाया है, लेकिन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है क्योंकि दे डोंट गेट चांस अगेन, बिकॉज इट्स जस्ट अ टीवी शो. तो चैनल यूज करते हैं इनको, लेकिन उसके बाद फेंक देते हैं. तो आपको केयरफुल रहना चाहिए. और लेकिन बेसिक थिंग इज आप अपना साधना करते जाइए, डोंट लूज दैट, और पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. म्यूजिक के क्षेत्र में जो नए लोग आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, उनको आप सबसे बेसिक क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाएं? बेसिक है डेफिनेटली, एज आई सेड, म्यूजिक का रियाज करते रहना, ठीक जगह ठीक गुरुजी के पास जाना. गाना सीखने के लिए आपको ठीक टीचर, राइट टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आई एम वेरी लकी कि मेरी इनिशियल जो ट्रेनिंग डैडी और मम्मी के पास हुई है, एंड देन आई गॉट क्लासिकल ट्रेनिंग फ्रॉम कृष्णचंद्र बैनर्जी इन कैलकटा, और उसके साथ पियानो मिस्टर सैम इंजीनियर. तो मुझे टीचर बहुत अच्छे मिले. अभी मैं बॉम्बे में शुभा जोशी, ठुमरी सिंगर है, शुभा जोशी के पास मैं ठुमरी सीखती हूँ. तो अच्छे टीचर या अच्छे गुरुजी आप ढूंढिए, उस वहाँ सीखिए और म्यूजिक को प्रायोरिटी करिए. अगर आप अच्छा गाते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ चांस मिलेगा. और अपने स्टाइल में गाइए, नकल की मुझे मुझे आदत नहीं है. मैं भी अपने स्टाइल में गाती हूँ. अगर लता दी के गाने भी गाती हूँ तो अपने वॉइस में गाती हूँ, मैं नकल करके नहीं गाती हूँ. तो ये अपना स्टाइल मेंटेन करिए और धैर्य रखिए, आई थिंक होगा कुछ. नेटवर्क सिक्स से बात करने के लिए अंतरा आपका ढेर सारा धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही दिन रात चौधरी तरक्की करें और आपके और भी अच्छे अच्छे गाने हिंदी में बंगाली में हम सबको सुनने को मिले. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपने थोड़ा स्टडी कर लिया.